एनकाउंटर, बुलडोजर, फैसला ऑन द स्पॉट। योगी आदित्यनाथ की छवि धाकड़ बनती जा रही थी। पुलिस को खुली छूट मिली हुई थी, लेकिन इसी खुली छूट से जन्म लिया बेलगाम ताकत ने, और साथ ही न सिर्फ पुलिस बल्कि सरकार कटघरे में थी। पुलिस ने अपराधियों पर गोली चलाई, घेर कर मारा। यूपी वालों ने कहा भैया गुंडों का इलाज गोली से हो रहा है, लेकिन खाकी वालों ने कुछ ऐसा भी कर दिया कि वर्दी पर ही सवाल उठ गए। उस घटना से पुलिस बहुत उत्तेजित थी, तो उसने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है। तो उसने जो दिखा उस परिवार के या उस घटना में लिप्त लोग थे, उसके सारे लोगों को उसने पकड़ने की कोशिश की और उसको जेल भेज दिया। उसको लेके भी प्रदेश की राजनीति गरमाती रही और आज भी या इस चुनाव में भी उस मामले को उठाया जा रहा है। प्रदेश में गुंडों के लिए अघोषित गोली नीति बनी, लेकिन योगी की गोली नीति पर तब तब सवाल उठे जब पुलिस के अत्याचार का कोई आम आदमी शिकार बना। 28 सितंबर 2018 लखनऊ में एप्पल कंपनी में काम करने वाले विवेक तिवारी को पुलिस ने इसीलिए गोली मार दी कि इशारा करने पर गाड़ी नहीं रुकी। साल 2020 की 2 जुलाई को बिकरू गांव में हुए पुलिस वालों के हत्याकांड के बाद भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठे थे। विकास दुबे के शूटर अमर दुबे की पत्नी खुशी को गिरफ्तार कर बलवा, हत्या का प्रयास, हत्या, डकैती जैसी बड़ी धाराओं में केस किया गया था। विवेक तिवारी हत्याकांड में जो पुलिस की निरंकुशता है, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले मथुरा में आज से कई वर्ष पहले तालाब में वहां बच्चे थे और पता लगा बदमाश आए, वहां पुलिस ने फायरिंग कर दी और उसमें एक निर्दोष बालक मारा गया था। आज से करीब मुझे लगता है कि लगभग 25-27 साल पहले लखनऊ के चिन्हट में वहां पर एक व्यापारी का लड़का जो है जीप लहराते हुए जा रहा था, एक ट्रेनी आईपीएस थे जो सीओ थे, उन्होंने उसको पकड़ने के लिए जब उसको दौड़ाया और उसमें वहां गोली मार दी गई, उसमें व्यापारियों ने बहुत उस समय बवाल काटा था। तो ये भी घटनाक्रम कुछ जो विवेक तिवारी का घटनाक्रम है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं जब एक निर्देशों का पालन नहीं या जब कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के बचाव में राजनीति आड़े आ जाती है, राजनेता आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी ये एक मन में बना रहता है और उनका मनोबल बढ़ता है कि कोई घटना हो जाएगी तो हमको बचाने वाले लोग हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये अनेकों घटनाएं होती रही हैं, ये कोई नई घटना नहीं थी। बिकरू कांड का बवंडर थमा तो हाथरस पर हाहाकार शुरू हो गया। एक दलित लड़की के गैंगरेप का मामला था, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन देश भर से नेता हाथरस की ओर उमड़ पड़े थे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सरकार को परवाह नहीं है किसी की। विपक्ष के पैतरों से सावधान योगी ने हाथरस मुद्दे को सीधे अपने हाथ में ले लिया। योगी आदित्यनाथ एक कड़क प्रशासक की छवि के साथ आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कड़क अंदाज में आलोचकों को उनका अहंकार भी नजर आ रहा था।